धनबाद में दीपावली के दिन की गई हर्ष फायरिंग की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में एक मामा अपने भांजे को गोली चलाने के गुण सिखा रहा है और वहीं एक छोटा बच्चा इस पूरे सीन का वीडियो बना रहा है। ये वीडियो बरमसिया के ठेकेदार संजय श्रीवास्तव और उनके भांजे का है, जिसमें मामा और भांजा खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। एक वीडियो आया था, एसएसपी सर के द्वारा भेजा गया था। जांच के क्रम में पाया गया कि वो धनसार थाना का मैटर है। वहाँ पे एक संजय श्रीवास्तव है जिनका लाइसेंसी हथियार है, जिससे फायरिंग की का वीडियो दिख रहा है। उसमें अभी उस हथियार को उन्होंने जमा करा दिया है और उस हथियार का हम लोग अभी जाँच कराएंगे कि उससे फायरिंग क्यों नहीं हुई है। उसके बाद उसमें अलग तक कार्रवाई की। ये दिवाली के वाले दिन का वीडियो। लाइसेंस भी दर्ज हो सकता है इसमें? अब ये जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें हम लोग अलग तक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने हथियार और लाइसेंस को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि लाइसेंसी हथियार से बिना वजह गोली चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।